हेलो दोस्तों, राम राम जी। क्रिएटिव फैमिली में आपका हृदय पूर्वक स्वागत है। और ये सैटरडे का ही शूट है। ये बच्चे पूजा पाठ कर करके यानी हो गया है स्कूल का टाइम में, तो हम नाश्ता बना रहे हैं बच्चे को देने के लिए। तब तक ये लोग पूजा कर ली है और इधर का झाड़ू पोछा सब हो चुका है, और बच्चे को खाना भी दे दी हूँ, वो तब तक खाएगी। तब तक इधर उसका लंच पैक कर दूँगी। ये लोग पूजा वूजा समाप्त करके खाना खाएगी, तब तक उसका ये बाल करने के लिए वो हो जाएगा। तब तक वो ये कर लेगी, उसके बाद हम देखेंगे। यहाँ पूरा दिन जो कहता है सुबह का सूट नहीं कर पाए हूँ हम। ये जो नाश्ता टिफिन ये सब कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। इतना जल्दी जल्दी में शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बस इतना ही शूट की हूँ। वो भी पूजा कर रही थी, तो दूसरे बच्चे उधर शूट कर रही होगी, तो देखे है तो। और उसके बाद हम कुछ भी नहीं शूट की हूँ। वो सब चले गए हैं स्कूल, और उसके बाद दोपहर में नहा धो करके हम भी बहुत थक चुके थे, इस कारण से हम लेट गए। लेकिन ये शाम का वीडियो है, ये शाम का ड्यूटी का टाइम हो जाता है, ये 4-5 बजे लगभग फिर से ये शाम का रूटीन चालू हो जाता है। तो आज शाम का खाने के लिए ये डिनर के लिए केले का सब्जी बना रहे हैं। केला को छील करके बस जैसे ये फिश बनाते हैं ना मछली, उस तरह से हम फिश को फिश के जैसा कट कर लिए हैं। एक केले को 4-5 भाग में कट किए हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा तेल दे करके फ्राई कर रही हूँ, जैसे मछली को फ्राई करते हैं उसी तरह हम केले को फ्राई करते हैं। तो मेरे बच्चे तो कहते हैं ना कि ये भेज फिश है मछली को, मछली जैसा केले को, तो उसको वही स्वाद आता है। तो इस तरह से हम बना देते हैं। ऐसे तो कोफ्ते भी बनते हैं और बना भी लेंगे लेकिन। और ये देखिए उसमें ये अगले नहीं पिछले ही शाम का सूट है, तो ये स्नैक्स बना रहे हैं। शाम का स्नैक्स है, तो ये शाम का स्नैक्स के में हम ये ब्रेड को, ब्रेड पकौड़ा बोलते हैं लेकिन हम पकौड़ा बना रहे हैं बेसन में घोल कर नहीं, बस इसको पानी में चोखा पहले से ऑलरेडी हम तैयार करके रख लिए थे सादा। उसके बाद हम उसको बस पानी में डाले और उसको पानी निचोड़ करके बस चोखा उसमें डाल करके दोनों तरफ या चारों तरफ से पैक कर दिए। पैक करके बस इस तरह से जैसे लड्डू बांधते हैं ना, उस तरह से हम इसको पैक कर देते हैं चारों तरफ से, ताकि अच्छा से वो फटे नहीं, तेल में निकले नहीं बस। और थोड़ा सा ही तेल में ये बन करके तैयार हो जाता है। तो बस शाम का स्नैक्स के लिए बस थोड़ा सा ब्रेड रखा हुआ था, तो उसको यूज करना था, तो किसी तरह इस तरह से हम यूज कर दिए हैं। और इसका फिर पराठा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करेंगे चोखा को रख के। तो शाम का स्नैक्स जो बोलते हैं ये बन करके मेरा तैयार हो चुका है, यानी बनने वाला है। ये देखिए बस ज़्यादा नहीं, बस चाय के साथ, चाय नहीं कॉफी, सॉरी। कॉफी बना लेंगे कॉफी के साथ। नाइट ड्यूटी जाना रहता है तो बस एक बार खाना खा करके सो जाते हैं, तो शाम को कुछ ना कुछ हैवी स्नैक्स देना पड़ता है। तो वही हैवी, कभी हैवी भी हो जाता है, कभी वैसे सादा भी हो जाता है, मतलब सिंपल सा।
कुछ भी बना देते हैं। तो आज का यही स्नैक्स है शाम का, ये देखिए। और ये ऑलरेडी मेरा कॉफ़ी हो चुका है, बन चुका है, तो अब हम उनको दे देती हूँ, उसके बाद हम डिनर की तैयारी भी करेंगे। तो इस कारण से ये इसको बस अलग पलट करके अच्छा सुनहरा तक भुनना है। बस ये देखिए भुना भुन चुका है, तो बस इसको निकाल करके बस सर्व करेंगे। इस समय भी हमको जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि ड्यूटी रहता है तो जल्दी करना पड़ता है। इस कारण से ये देखिए मेरा फ्राई हो चुका है, गैस पर हम फ्राई कर लिए हैं, उसी में उसी कढ़ाई में तेल बाकी बचा हुआ था तो उसको यूज करना था, इस कारण से उसी में कढ़ाई में हम इसको फ्राई करके रख ली हूँ। और उसके बाद अगले दिन का ये सूट है, ये देखिए हम अगले दिन का है, शाम का ही सूट है, सुबह में कुछ भी नहीं सूट कर पाई थी। और ये देखिए मैं प्याज और टमाटर को पेस्ट बना करके ली हूँ। और उसी में हम बेसिक मसाले जो होते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह सब नमक साथ में हम ऐड करके बस और ये है आज का शाम का स्नैक्स, ये मुरमुरे प्याज डाल करके जो हम लोग बनाते हैं स्नैक्स वही है। तो ये आज और कल दोनों का वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कल तो कर नहीं पाई थी। दोनों मिक्स करके आपसे शेयर कर रहे हूँ। तो ये केले का सब्जी हम इस प्रकार से बनाते हैं, और आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में हम यहाँ आटा भी गूँथ ले रहे हैं, तब तक इधर मसाला भून रहा है, तब तक हम इधर इसको भी तैयार कर लेंगे, तभी तो जल्दी होगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है शाम का। सुबह भी उतना ही भागदौड़ हो जाता है, शाम में भी उतना ही भागदौड़ हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही कम तेल में हम इसको ये सब्जी को बना करके तैयार कर लेते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केले का सब्जी वेज फिश का रेसिपी कैसा लगा हो और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और ये देखिए हम चूल्हे पर ही जो कहते हैं पूरा वो खाना हम बना रहे हैं, ये देखिए मेरा पानी डाल दी हूँ उसमें। और पानी डालने के बाद ग्रेवी अच्छा थिक हो चुका है, तो उसमें हम बस ये फ्राई किए हुए केले को डाल देंगे, बस एक उबाल तक आएगा, उसके बाद हम बस इसको गरम मसाला और धनिया पत्ता दे करके मेरा तैयार हो जाएगा सब्जी। तो ये देखिए अच्छा दिखने में लग रहा है ना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हो और कैसा आप लोग बनाते हैं, मछली जैसा लग रहा है ना। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था, अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।